the book instructions carry road Bhatuvasi, opposite ranger office. पिछले 7-8 साल से आज अंडमान में एक बड़ा नाम है जो रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन की दुनिया में काफी मशहूर है। अंडमान एंड निकोबार के कई द्वीपों में नबो कंस्ट्रक्शन से जमीन की लेन देन की है। इसमें खास बात यह है कि नबो कंस्ट्रक्शन से अगर आप जमीन लेते हैं तो पूरी कानूनी प्रक्रिया करने की जिम्मेदारी नबो कंस्ट्रक्शन लेती है। पब्लिक फीडबैक भी एक्सीलेंट है क्योंकि नबो कंस्ट्रक्शन अपने कमिटमेंट पर हमेशा खरी उतरी है। न सिर्फ ट्रक, इटैची या पिकअप्स बल्कि नबो कंस्ट्रक्शन के अपने मजदूर, आर्किटेक्ट, इंजीनियर, मेशन मिस्त्री भी है जो कहे समय पर आपके ऑर्डर्स को पूरा करती है। एक एक जमीन को पूरे लीगल डॉक्यूमेंट के साथ ग्राहक को दी है, जिस वजह से आज तक नबो कंस्ट्रक्शन पर कभी उंगली नहीं उठी। जब पूरा देश कोरोना की चपेट में बंद पड़ा था, नबो कंस्ट्रक्शन के हर एक स्टाफ को पूरी सैलरी में रखा गया, वे बेरोजगार नहीं हुए। अंडमान की लोकल कंपनी होना भी एक वजह है कि जनता आग बंद करके भरोसा करती है किसी भी किस्म के फ्रॉड होने से। नबो कंस्ट्रक्शन से जमीन लेना देना या कंस्ट्रक्शन का काम करना यानी आपकी पैसे की सुरक्षा की पूरी गारंटी। याद रखिए, रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन वर्क्स के लिए नबो कंस्ट्रक्शन कैरी रोड बागवस्ती अपोजिट रेंजर ऑफिस। अरुण फर्टिलिटी एंड IVF सेंटर। स्वास्थ्य को लेकर आज इंसान सबसे ज्यादा परेशान है। महिलाओं की गायनिक समस्याओं का संपूर्ण समाधान के लिए अरुण्स फर्टिलिटी एंड IVF सेंटर अब आपको प्रेगनेंसी प्लानिंग से लेकर डिलीवरी तक के सभी जरूरी जानकारी व किसी भी प्रकार के इलाज व दवाइयों के लिए अरुण्स फर्टिलिटी एंड IVF सेंटर। अब आपको लाखों रुपए खर्च कर मेनलैंड जाने की भी ज़रूरत नहीं। तमाम गायनिक सॉल्यूशंस के लिए 11 चरमा हॉस्पिटल के पास है अरुण्स फर्टिलिटी एंड IVF सेंटर। एक से एक आधुनिक उपकरणों और पूरी सुरक्षा के साथ आपके प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर्स व साइंटिस्ट से कंसल्ट करें। सभी सुविधाओं से लैस अरुण्स फर्टिलिटी एंड IVF सेंटर। सब महिलाओं की तरफ से एमपी साहब को एक बात बोलना चाहूंगी। तारीफ है उस खुदा की, तारीफ है उस खुदा की जिसने तुम्हें बनाया, तुम्हें मजबूत मिट्टी यानी घर दिलाया। जितना ख्याल आज खुदी ने महिलाओं के ऊपर दिया है और किया है, अंडमान निकोबार की महिलाएं महसूस करती है कि हमारा बेटा, हमारा भाई हम लोगों के लिए कुछ किया और क्या किया है वो आज आपके सामने आपने देखा। 3 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनकर के अवार्ड लिया, किसी को इनाम ऐसे ही मिल जाता है। एक बच्चा 4 रुपया का पेंसिल लेकर के घर आता है तो माँ बाप कितना खुश होते हैं। हमें भी उतना ही खुशी खुदी प्राइस शर्मा ने दिया ये अवार्ड लेकर के, उसने काम किया है। नमस्कार, मैं नश्री न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। इस वक्त हम मौजूद है बर्ड लाइन के ग्राउंड पर, जहाँ पर हमारे माननीय सांसद श्री कुलदीप राय शर्मा जी द्वारा प्रात्रापुर वार्ड में, बर्ड लाइन वार्ड में पेमा के भी कुछ लोग कल के यहाँ मौजूद हुए, उन्हें सैनिटरी नैपकिन बांटा जा रहा है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, महिलाओं के जिंदगी का वो एक पहल है जहाँ उन्हें काफी दिक्कत फेस करनी पड़ती है, कितनी कठिनाइयों का सामना पड़ता है, वो किस दौर से गुजरती है वो बस एक महिला ही जानती है। और अगर उस वक्त हम सैनिटरी नैपकिन का यूज करते हैं तो वो मेंसुरेशन जो पीरियड होता है हमारा उसे बहुत आसान कर देता है। एक दौर था जब हम औरतों में नॉलेज नहीं थी कि हमें पीरियड्स के टाइम में वो जो हम कपड़ा यूज करते हैं उसे यूज नहीं करना चाहिए, वो कितना नुकसानदेह होता है। पर आज जहाँ जागरूकता है भी कि लोगों में कि हमें सैनिटरी नैपकिन यूज करना चाहिए, वही लोग बहुत ज्यादा शर्माते भी है इस चीज को। सैनिटरी नैपकिन को पेपर में फोल्ड कर छुपा कर दिया जाता है, पर वही हमारे माननीय सांसद श्री कुलदीप राय शर्मा जी ने काफी अच्छी पहल शुरू की है कि वो महिलाओं के बीच में आते हैं और उन्हें जागरूक करते हैं कि सैनिटरी नैपकिन का यूज होना कितना जरूरी है। एज अ पुरुष वो ये सारी चीजों में कितना ध्यान देते हैं आपको आप सोच सकते होंगे। जो नारी शक्ति है देश में, काफी सारे योगदान है जो उन्होंने दिए, तो इस सारी चीजों को ध्यान रखे उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम ये पहल करें कि इनमें जागरूकता और ज्यादा बढ़ाई जाए। दूर दराज एरिया में भी वे ये जागरूकता बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं और काफी सारे एरिया उन्होंने कवर करे ऐसे सैनिटरी नैपकिन बांटते हुए।
तो इसी के लिए आज हम यहाँ उपस्थित हुए हैं। तो आइए आगे बढ़ते। सभी का भी हम स्वागत करते हैं। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज के इस प्रोग्राम के बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहूंगी। ये जो कार्यक्रम हम यहाँ पर बर्ड लाइन में ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, ये महिला स्वास्थ्य के ऊपर है। आज महिलाएं जितनी ज्यादा अपने स्वास्थ्य के बारे में जागरूक होंगी, वो उतनी अच्छी तरह से अपने परिवार का, अपने राष्ट्र का ध्यान रख पाएंगी। आप सभी को सैनिटरी पैड डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। इस सैनिटरी पैड के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये रीयूजेबल सैनिटरी पैड है, जिसको आप बार बार यूज कर सकते हैं वॉश करके। तो इस तरह के सैनिटरी पैड आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन हो गए हैं और ये एनवायरनमेंट के लिए भी बहुत अच्छे हैं, क्योंकि जितना वेस्ट हम लोग जनरेट करते हैं वो वेस्ट भी कम हो रहा है। और रीयूजेबल सैनिटरी पैड जब आप यूज़ करते हैं तो आप कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं वेस्ट को कम करने में, ठीक है। तो ये इसीलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और बहुत सारे लोगों के अंदर ये भ्रांतियाँ भी हैं कि रीयूजेबल पैड्स जो होते हैं वो हमारे लिए उतने हाइजीनिक नहीं है जितने कि वन टाइम यूज एंड थ्रो होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। रीयूजेबल सैनिटरी पैड जो होते हैं वो वॉश करने के बाद और सनड्राई करने के बाद उतने ही हाइजीनिक है जितने वन टाइम यूजेबल सैनिटरी पैड्स होते हैं। तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप रीयूजेबल पैड्स को यूज करें और उसे अपने रूटीन में लेकर आए, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को भी प्रेरित करें कि वो इन चीजों का इस्तेमाल करें। इसके अलावा और बहुत सारे ऐसे यहाँ पे सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं जो सैनिटरी पैड्स भी बनाते हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग यहाँ के लोकल सैनिटरी पैड्स को परचेज करें, ताकि उनकी आय भी बढ़े, आप भी उनके तरफ कुछ अपना योगदान दे पाए और उनके साथ जुड़ के आप लोग समाज कल्याण में अपना योगदान दे पाए। हमेशा हम क्या किसको देखते हैं, बच्चों को देखते हैं, अपने हस्बैंड को देखते हैं, माँ होने से माँ को देखते हैं, सास को देखते हैं, उसी में हमारा टाइम चले जाता है। अपना हेल्थ के बारे में कभी सोचते नहीं। अगर कुछ बीमार भी पड़ गए तो बताते भी नहीं कि क्या उससे हम लोग ये प्रॉब्लम फेस करते हैं। बहुत सारे बीमारी को हम लोग छुपा के रखते हैं। तो आज जो आपके बीच में सर जो सैनिटरी पैड लेके आए हैं, ये फ्री है, आपको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और इसका कैसा यूज़ करना और क्या इससे क्या लाभ है, आप सब जानते हैं कि मैक्सिमम महिलाएं देखिए कैंसर से पीड़ित होते हैं, है कि नहीं। और बहुत सारी महिलाएं जो हैं हमारे बहुत छोटे छोटे एज में उन लोग यूट्रस रिमूव करते हैं। तो इसका क्या कारण है, बहुत सारा कारण है कि हम लोग हाइजीन मेंटेन नहीं करते। और ये जो रीयूजेबल जो है, इसमें दो किस्म का पैड है, ठीक है। और हम लोग जो दुकान से लेते हैं उसमें क्या है, आपको वो जो पैड यूज़ करना मिनिमम 3 आवर्स मैक्सिमम 6 घंटा यूज़ करना है। हम लोग का ज़माना में नहीं था, हम लोग पुराना साड़ी कपड़ा सब लेके उसी को यूज़ करते थे, लेकिन उसमें कितना गंदगी और कितना तरह का बीमारी उसके अंदर आ जाता ये हम लोग को नहीं पता था। और वो टाइम में क्या बच्चादानी जो यूट्रस मैडम बोली, मतलब बच्चादानी के अंदर में वो सारा कचरा घुस के कितना तरह का बीमारी होता था, कैंसर। वो ज़माना में हम लोग नहीं जानते थे कि यूट्रस का कैंसर क्या है। पेट में तकलीफ हुआ, पेट का कुछ हुआ, मर गई, या वो काट के निकाले मर गई, नहीं पता। लेकिन आज का ज़माना में आप लोग को ये सारा चीज़ का समझना बहुत ज़रूरी है। तो आप अपना पर्सनल हाइजीन को ध्यान में रखते हुए अपने घर के बच्चों, जो एडोलसेंट गर्ल्स हैं उनको, और जितनी लेडीज हैं, तमाम जितने अगल बगल की जितनी लेडीज हैं उनको भी ये जानकारी दे दीजिए। और हमारे एमपी जी ने इतना बढ़िया काम किया है, ये तो एकदम सराहनीय है। सर के लिए बहुत बड़ा क्लैप करिए। सब महिलाओं की तरफ से एमपी साहब को एक बात बोलना चाहूंगी, तारीफ है उस खुदा की, तारीफ है उस खुदा की जिसने तुम्हें बनाया, इतने मजबूत मिट्टी जाने का हक लाया, इतना मजबूत मिट्टी जाने कहाँ से लाया। आज एक शहर जंगल में, दूसरा वेर पश्चिम सागर में, सब जगह महिलाएं, देश का विकास होता है। अरे विकास का सबसे बड़ा देन तो ये महिलाएं हैं, जिसके ऊपर उन्होंने ध्यान दिया। महिलाएं
इस देश की महिलाएं, जल स्पर्श से मुर्दों को जिला सकती है। यह देश है वो देश जहाँ की महिलाएं भगवान को भी गोद में खिला सकती है। जितना ख्याल आज कुलदीप जी ने महिलाओं के ऊपर दिया है और किया है, पूरा अंडमान निकोबार की महिलाएं इसको एहसास करती है, महसूस करती है कि हमारा बेटा, हमारा भाई हम लोगों के लिए कुछ किया है। और क्या किया है वो आज आपके सामने है। आपने देखा, 3 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनकर अवार्ड लिया, किसी को इनाम ऐसे ही मिल जाता है। एक बच्चा 4 रुपया का पेंसिल लेकर के घर आता है तो माँ बाप कितना खुश होते हैं। हमें भी उतने ही खुशी कुलदीप राज शर्मा ने दिया ये अवार्ड लेकर के, इसने काम किया है, इस जीत के लिए काम किया है। तो मेरी बहनों, अपना स्वास्थ्य ख्याल रखने के लिए आपको आगे आना होगा और अच्छा परिवार बनाना होगा। धन्यवाद। मैं कुलदीप भाई को धन्यवाद देती हूँ, जो एक नया चीज उन्होंने सामने लेके आया है, जो ये पैड है, हम लोग कभी नहीं सोच सकते कि ये पैड भी रीयूज कर सकते हैं हम लोग, इसको फिर से हम लोग यूज, मगर ये हम लोग 4 घंटा 10 घंटा तक यूज़ कर सकते हैं और 5-6 बार इसको यूज़ कर सकते हैं, उसमें लिखा हुआ है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो माताएं घर में हैं, अपनी बच्चियाँ जो बड़ी होती है आजकल 11-12 साल में, जो भी आजकल का खाना की वजह से 11 साल 12 साल में बड़ी हो जाती है, और माताओं को मैं ये सलाह देना चाहती हूँ कि उनको आप बताइए बच्चों को कि अगर ऐसा कुछ है तो जरूर बताने के लिए, और ऐसे पैड यूज करिए। अच्छा लगता ना, प्यारा सा अच्छा सा एमपी आया, जो पढ़ा लिखा भी है, जो इंजीनियर भी है और जो पार्लियामेंट में बड़ा बड़ा आवाज निकालता है लोगों के लिए। और वो क्यों निकालता है, वो इसलिए निकालता है कि आप लोगों का फायदा हो। देखिए, आप लोग के घर में भी लोग होंगे, सबको काम करने वाले होंगे, उनको वन थर्ड भी मिला। इस एमपी, ये जो हमारे एमपी है, जो प्यारा सा यंग लड़का जिसको बोलेंगे, ये पार्लियामेंट में जाके जहाँ बीजेपी गवर्नमेंट है, देखिए उनको प्राइम मिनिस्टर भी प्यार करता है, उनको पार्लियामेंट के अंदर भी लोग प्यार करते हैं। क्यों? क्योंकि इसका बड़ा प्यारा बोली है और ये बड़ा सोच समझ के बात करता है। ये बेसिकली प्रोग्राम मकसद क्या है, ये प्रोग्राम का एक ही मकसद, देखिए मेरा ये सोच है, मैं ये चाहता हूँ अंडमान निकोबार जितनी भी हमारे माता बहने हैं उनका हेल्थ अच्छा रहे, क्योंकि अगर हम एक ह्यूमन साइकिल देखेंगे 24 घंटे अगर घर का एक पेज देखेंगे, साइकिल देखेंगे, तो हमारी माँ बहने हैं जो दिन में सबसे पहले सुबह उठती है, पूरा घर उठने से पहले वो उठती है और रात को सब पूरा घर सो जाता है, उसके बाद भी वो काम करके सोती है। बिल्कुल सही। 24 घंटे के अंदर में मिनिमम एक लेडी 16 से 18 घंटा काम करती है और वो अपने हेल्थ के बारे में बिल्कुल भी ख्याल नहीं करती है, जिससे होता है क्या है कि कोई तरह का बीमारी अगर उनके शरीर में आता है तो पहला बात तो बताती भी नहीं है। तो आज हम लोग को पता है कि आमतौर पर लोग गरीब है, लोगों का माली हालत इतना अच्छा नहीं है, जिससे तो वो सोचती है कि हस्बैंड का जो पेमेंट है 10,000, 12,000, 15,000 है, बच्चे हैं, घर का किराया है, बाकी सब चीज़ का खर्चा है, तो बड़ा मुश्किल से परिवार चलता है, तो वो सब चीज़ अपना वो बदन का बीमारी को भी छुपाती है। बट ये जो हम लोगों ने आज देखिए, मेरा आज आपके बीच में आने का 2 मकसद है, एक आपको जो सैनिटरी पैड के बारे में, क्योंकि एक ऐसा विषय है जिसके बारे में लोग खुल के बात करने को नहीं चाहते हैं, लोग शर्माते हैं, ठीक है, बट मेरा ये सोच है हम लोग अपना शर्म नहीं करना, क्योंकि आपका हेल्थ से बड़ा, आपका जीवन से बड़ा दुनिया में कुछ भी नहीं है। एक माँ, एक बहन, एक वाइफ अगर सही है तो पूरा का पूरा परिवार सही रहता है। तो पहला बात है कि आप लोग को अपने बारे में एक सैनिटरी पैड क्या है, इसका पर्पस क्या है, इसको क्यों यूज़ करना चाहिए, इसको यूज़ करने से आपको क्या फ़ायदा होगा, यूज़ नहीं करने से आपको क्या नुकसान होगा, ये चीज़ हमारे सब जितने स्पीकर्स ने आपको बताया, मैं ज़्यादा उस पर और बोलना नहीं चाहूँगा, बस मेरा आप सबसे यही विनती है कि देखिए आप लोग सैनिटरी पैड यूज़ कीजिएगा, अपना हेल्थ के बारे में ख्याल कीजिएगा, क्योंकि इससे बड़ा कोई चीज़ नहीं है। थैंक यू सो मच। थैंक यू दिलीप राय शर्मा जी ने यहाँ ये छोटा विषय है ये सैनिटरी पैड, लेकिन आज नारी शक्ति कैसा उभर के काम करना उसका बारे में अगर कोई विचार रखता है
ये बहुत सराहनीय विचार है। छोटा चीज हो सकता है लेकिन उसमें क्या क्या नुकसान है सभी लोग ने बताया आप लोग को, ऐसा और अच्छा करने के लिए अवेयरनेस लेडीज लोग का नारी शक्ति बोले तो वो लोग पूरा लाइफ बच्चे लोग के लिए फैमिली के लिए सब लोग के लिए देता है, अपना चीज वो लोग भूल जाते हैं। ये चीज आज आप लोग सब सामने आके बैठे सुने ये अच्छा विचार है। पहले एक सैनिटरी पैड बोलने के लिए आपसे शर्म आता था, दुकान में जाके खरीदने का टाइम में पहले लिख के देते ये दे दो करके, आज ऐसा नहीं है, सब लोग ओपनली ये करता है। ये हम लोग का डेवलपमेंट है, आगे अवेयरनेस होना, हम लोग का सेहत कैसा बढ़ना, हम लोग अगर आप तंदुरुस्त है घर वाले सब तंदुरुस्त हो सकता है। हम बात करेंगे हमारे माननीय सांसद श्री कुलदीप राय शर्मा जी जो सैनिटरी नैपकिन बांट रहे हैं फ्री में मुफ्त में यहाँ के महिलाओं को। जैसे कि आप जानते हैं कि लास्ट टाइम आपने हमारे चैनल में भी कई दफा ये देखा होगा कि हमारे माननीय सांसद श्री कुलदीप राय शर्मा जी महिलाओं के बारे में कितना सोचते हैं और उनके लिए वो सैनिटरी नैपकिन बांटते हैं, जहाँ आजकल के टाइम इतना मॉडर्नाइज होने के बावजूद कोई इसके बारे में बात भी नहीं करने मांगता है, फिर भी वो अपना बहुमूल्य समय निकाल कर यहाँ आए हैं और महिलाओं के बीच में ये जो सैनिटरी पैड डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और उसके बारे में और भी नॉलेज दे रहे हैं महिलाओं को, तो बहुत अच्छी बात है। तो आइए उनसे बात करते हैं। आज हम लोगों ने बडलेन जो वार्ड है पात्रापुर जो बडलेन का एरिया, वहाँ पे लेडीज का जो हेल्थ के ऊपर में एक हेल्थ कैंप हम लोगों ने किया और साथ ही साथ मेन फोकस ये था कि एक लेडी को सैनिटरी पैड क्यों यूज़ करना है, करने से उनको क्या फ़ायदा है, नहीं करने से उनको क्या नुकसान है, उस चीज़ के ऊपर मैंने ज़्यादा फोकस करे। तो अंडमान निकोबार के अंदर में काफ़ी प्रोग्राम्स किया आपको लोगों को सैनिटरी पैड यूज़ करना, स्पेशली लेडीज़ को बहुत ज़रूरी है, गर्ल्स को ज़रूरी है। और मुझे खुशी है कि बहुत बड़ी तादाद में करीब करीब 250 लेडीज़ यहाँ पर बढ़ चढ़ के आए हैं और उन्होंने काफ़ी हमारे जो सीनियर्स हैं लेडीज़ हैं उन्होंने इसके ऊपर में इस बात पे अपना विचार रखा, बताया कि क्यों पैड यूज़ करना चाहिए। तो ये बड़ा अच्छा है कि ये एक अच्छा मुहिम जो हम लोगों ने स्टार्ट किया ये जन जन तक घर घर तक ये चीज़ पहुंच रहा है और मैं आशा करता हूँ कि आने वाले दिनों में भी और भी जो रिमोट आइलैंड्स हैं दूर दराज एरिया है वहाँ पर हम लोग जाके ये हेल्थ कैंप के बारे में और स्पेशली सैनिटरी पैड के बारे में लोगों को लेडीज को के बारे में चीजें बताएं। धन्यवाद। तो जैसे कि आप सबने देखा और अपने कानों से सुना कि यहाँ पे जितने भी लेडीज मौजूद थे, जितने भी अतिथि गण थे, वे सभी ने कहा कि सैनिटरी नैपकिन का यूज होना महिलाओं के जिंदगी में कितना बहुमूल्य होता है, कितना समय है वो जो ऐसे मेंस्ट्रुएशन पीरियड में गुजार देती है, कितने तकलीफ में गुजार देती है, और वहीं अगर हमें सैनिटरी नैपकिन का यूज हो जाए तो वो बहुत आसान हो जाता है और हमें इस चीज का यूज करना भी चाहिए, क्योंकि अगर सैनिटरी नैपकिन का यूज महिलाओं के जिंदगी में ना हो उसके बदले अगर वो कपड़ा यूज करेंगे तो उससे काफी तरह की बीमारी हो सकती है, ब्रेस्ट कैंसर, ट्यूमर जैसे इतने बड़े बड़े बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। तो जब आज हमें नॉलेज है तो क्यों ना उस नॉलेज को बढ़ाया जाए और सैनिटरी नैपकिन का यूज हमारे जिंदगी में लाया जाए। हर वक्त हम एडवर्टाइजमेंट में देखते हैं कि ये हमारे लिए कितना जरूरी है, पर तब भी आज भी लोग इसको लेकर शर्म करते हैं, हया करते हैं इस चीज को लेकर। ये भगवान का दिया हुआ एक बहुत ही अच्छा देन है जिसके कारण हमारे ब्लड प्योरीफाई होता है, कितने तरह के प्रॉब्लम से हम बचते हैं। तो हमें इसे कोई अभिशाप की तरह नहीं लेना चाहिए बल्कि हमें ये सोचकर चलना चाहिए कि ये हमारी जिंदगी का एक देन है और इसे हमें बहुत अच्छी तरीके से लेकर चलना चाहिए, और इसमें अगर वही जगह अगर पुरुष का साथ हो तो वो और भी अच्छी बात होती है। तो हमारे माननीय सांसद श्री कुलदीप राय शर्मा जी ने ये सारी चीजों को ध्यान में रखा और ये सोचा कि क्यों ना महिलाओं में सैनिटरी नैपकिन का सैनिटरी नैपकिन बांटा जाए और तो और उनको जागरूक किया जाए। काफी सारी लेडीज ने ज्ञान दिया उनके प्रति, उनको बताया, जागरूक किया। तो हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी इसी तरह के कार्य करते रहेंगे। इसी उम्मीद के साथ और कैमरा पर्सन आफ्ताब के साथ मैं नश्री, न्यूज़ अंडमान 24/7 से नमस्कार।